नमस्कार, भक्ति वचन के इस सप्ताह के अध्ययन में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम गलातियों के चौथे अध्याय को देखेंगे। जो विषय, जो थीम पौलुस ने अध्याय 3 में शुरू किया था, वो इसी अध्याय में भी जारी रख रहा है। और 3 और 4 अध्याय में वो बता रहा है कि आत्मिक उन्नति विकास कैसे होते हैं। वो आत्मिक उन्नति और विकास के तरीके यहाँ नहीं बता रहा, जैसे कि बाइबल का अध्ययन करना, प्रार्थना इत्यादि, पर वो बता रहा है सिद्धांत के बारे में। अब ये गलातियों के जो नए विश्वासी थे, ये कुछ झूठे शिक्षकों के प्रभाव में यहूदी खतने की रस्म और मूसा की दी हुई धार्मिक व्यवस्था की ओर आकर्षित हो रहे थे, और पौलुस इनको तर्क के माध्यम से समझा रहे हैं कि आत्मिक उन्नति और विकास धार्मिक व्यवस्था या नियम पालन करके नहीं होती, बल्कि अनुग्रह से आती है। उसने 4 तर्क दिए जो हमने पिछले हफ्ते देखे। पहला था अनुभव का तर्क, दूसरा था पवित्र शास्त्र में से दिया गया तर्क, तीसरा पवित्र आत्मा का तर्क, चौथा इतिहास का तर्क, और इन सब तर्कों में वह एक ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा रहा है कि उद्धार यीशु पर विश्वास करके अनुग्रह से आता है। जैसे उद्धार की शुरुआत विश्वास के जरिए अनुग्रह से होती है, पवित्र आत्मा विश्वास के जरिए अनुग्रह से प्राप्त हुई, विश्वास को ही हमेशा से परमेश्वर ने धार्मिकता माना, विश्वास से ही हम उसके परिवार का हिस्सा होते हैं, विश्वास के जरिए ही हम उसकी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बनते हैं, सब विश्वास के जरिए अनुग्रह से। आत्मिक विकास भी वैसे ही होता है। अब वो 3 और तर्क देने वाला है इस अध्याय में। अध्याय 4 में 5वां तर्क, जिसे हम युक्ति संगत तर्क कह सकते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सुनिए पौलुस 1 से 10 में चौथे अध्याय के क्या कहता है। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको परमेश्वर की दत्तक संतान होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। फिर पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से में देवता नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। दरअसल पौलुस ने इस तर्क का आरंभ पिछले हफ्ते किया था, जहां उसने व्यवस्था को एक संरक्षक बताया था, गार्जियन, एक ऐसा संरक्षक जिसके अधीन में एक बालक को रहना पड़ता है, जब तक कि वो उस उम्र का ना हो जाए जहां उसे उसका उत्तराधिकार मिल सकता है। और उसी विचार को पौलुस यहां आगे बढ़ा रहा है। वो युक्ति देकर कह रहा है, क्या चाहिए, दासता या फिर स्वतंत्रता? एक दासता जैसी जिंदगी, जैसे एक वारिस की बचपन में होती है, जब वारिस होते हुए भी वह संरक्षकों के अधीन में रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि यह संरक्षक कोई गुरु या रवि नहीं होता था जिसका सम्मान हो, वह तो एक दास होता था पिता के घर का, जिसे बालक का दायित्व दिया जाता था, उसकी देखभाल करना और बच्चे को अनुशासन में रखना, ध्यान रखना कि बालक कोई गलत काम ना करे इत्यादि, जब तक कि वो व्यसक ना हो जाए और वो अपना दायित्व खुद नहीं ले सकता। पौलुस कहता है कि धार्मिक व्यवस्था का काम यहूदियों के लिए बस ऐसा ही था, वो मसीह तक आने तक संरक्षण करे, एक जैसे एक दाइमा करती है। व्यवस्था उद्धारकर्ता की आवश्यकता के बारे में यीशु तक लेकर आती है। पौलुस पूछता है, जैसे एक बार बड़े होने के बाद दाइमा के संरक्षण के अधीन में जाने की कोई तुक नहीं है, वैसे मसीह से उद्धार पाकर व्यवस्था के अधीन जाने की क्या तुक?
पौलुस फिर कहता है, जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। मसीह में आने से पहले वो लोग भी दास थे, संसार की आदि शिक्षा के दास थे। क्या है संसार की आदि शिक्षा? पौलुस का यहाँ इससे आशय है वो सारी विभिन्न प्रकार की धार्मिक शिक्षाएं जो सुनने में बड़ी आध्यात्मिक लगती हैं पर वो होती झूठी हैं। आध्यात्म में से उनका कोई भी संबंध नहीं होता। वो मनुष्य के दर्शन, उसकी फिलोसॉफी, उसकी बुद्धि पर आधारित होती है। आगे पद 9 में पौलुस इन्हें निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बात कहता है, क्योंकि यह केवल इस संसार की है। हो सकता है कि यह सुनने में बहुत ही शक्तिशाली लगती हो, पर यह निर्बल है, निकम्मी है, क्योंकि यह सब कर्म पर आधारित है। जब हम इनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो हमें लगता है कि यह बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, पर सच्चाई तो यह है कि यह आपका संपर्क परमेश्वर के साथ नहीं करा सकती। दरअसल पौलुस यहाँ यहूदियों की धार्मिक व्यवस्था और अन्य जातियों के धर्मों को एक ही श्रेणी में डाल रहा है, क्योंकि दोनों में ही उद्धार की शक्ति नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो इस आदि शिक्षा का उल्लेख पौलुस पद 3 में मूसा की व्यवस्था के संदर्भ में करता है और आगे पद 9 में वो इसका उल्लेख अन्य जातियों की बुत परस्ती के संबंध में। यह कहने के बाद, तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे जो स्वभाव से देवता नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि पौलुस परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को और मनुष्य के अन्य धर्मों को एक ही श्रेणी में कैसे रख सकता है। मैं बताता हूं, क्योंकि दोनों ही आपको उद्धार नहीं दे सकते। जब आप परमेश्वर की दी हुई किसी भी चीज को अपनी कोशिशों का, कर्म का जामा पहना देते हो, आप उसकी शक्ति को, सामर्थ को खत्म कर देते हो। यहूदी के पास परमेश्वर की आज्ञाएं थी, उसकी व्यवस्था थी, पर वो जीवन देने में असमर्थ थी। व्यवस्था और धर्म बुराई पर कुछ समय के लिए अंकुश तो लगा सकती है, पर यह आपको पाप करने की इच्छा से बाहर नहीं ला सकती। वह आपको धर्मी ठहराकर परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकता। और इस तरह का बुराई पर अंकुश तो अन्य जाति के बुतपरस्त भी रखते हैं, पर बस वो केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाता है। जब भी हम परमेश्वर के वचन की आत्मा को न समझकर, वचन के पीछे परमेश्वर की इच्छा और भावना को न समझकर उसे नियम बनाकर प्रयोग करते हैं, तो हम ठीक वही कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को खत्म कर रहे हैं। और जब हम बात करें ईसाई धर्म की, तो बिल्कुल यही हो रहा है। बात तो करते हैं यीशु मसीह से उद्धार की, विश्वास की और परमेश्वर के अनुग्रह की, पर आत्मिक विकास नियमों के आधार पर करते हैं। कौन से हैं ये नियम? उदाहरण के तौर पर, स्त्रियों को प्रार्थना करते हुए सर पर कपड़ा डालना चाहिए, स्त्रियां परमेश्वर के वचन से उपदेश नहीं दे सकते, मेकअप करना गलत है, यह मत करो, वह मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, और यह सब वचन का हवाला देकर किया जाता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है। अरे अबोध बालकों, तुम लोगों को केवल जो लिखा है वो दिख रहा है, पर उसके पीछे परमेश्वर की मंशा, परमेश्वर की आत्मा, उसकी इच्छा, उसकी भावना आप वो नहीं समझ रहे। तुम लोग अपने बेकार के नियमों से लोगों को दासता की जंजीरों में बांध रहे हो। पौलुस पद 10 में कहता है, तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। क्या यह आज भी सच नहीं है? क्रिसमस के दिन, ईस्टर के दिन कितने लोग अचानक से मसीही बन जाते हैं और अचानक चर्च में आ जाते हैं। इतवार के दिन, जिस दिन चर्च जाना होता है, उस दिन वो मसीही होते हैं, और बाकी दिन? क्या यह लोग यीशु के अनुयायी हैं? क्या इनको परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ मतलब है? बस यह अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं एक अच्छे ईसाई होने का। हर रविवार चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, अपना ईसाई धार्मिक कर्तव्य पूरा करते हैं। पौलुस के अनुसार ये लोग अब भी दासता में जी रहे हैं, जैसा कि हमने पहले अध्याय में चर्चा की थी। इन लोगों ने सुसमाचार को शक्तिहीन बना दिया है, यीशु मसीह का सैंडविच बना दिया है। यीशु मसीह है, पर साथ में कुछ और भी, कुछ नियमों की फेयर लिस्ट, ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। जब आप यह सब करते हो तो आप अच्छे ईसाई हो। ईसाई हो, परमेश्वर की संतान नहीं, और इसीलिए जीवन में सामर्थ नहीं आती, क्योंकि आप अपनी सामर्थ से जी रहे हो। परमेश्वर पर निर्भरता नहीं है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ जीवन में नहीं है। मैं सारे नियमों को मानता हूँ,
यह आपके अहंकार को अच्छा लग सकता है पर परमेश्वर को प्रिय लगने वाला जीवन जीने की सामर्थ्य नहीं ला सकता। यह केवल आत्मिक बचपना है, क्योंकि आत्मिक रूप से व्यस्त होना, परिपक्व होना, इसका अर्थ है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर, उसके अनुग्रह पर निर्भर होना, उसके प्रेम, उसकी क्षमा, उसके सामर्थ्य पर आश्रित होना। अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है तो आप आजाद हो। तो तर्कसंगत, युक्तिपूर्ण, लॉजिकल बात यही है कि आप आजाद रहें, निर्बल और निकम में, नियमों की दास्ता में न पड़े, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें। और इसमें आत्मिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचाने जो उसके अनुग्रह में है, और उसकी इस अद्भुत सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? धन्यवाद करते हैं पिता तेरा परमेश्वर, जो अनुग्रह तूने हमें यीशु मसीह में दिया है कि हम पहले दास थे, हम दास थे अपने नियमों के, कुछ नियम धार्मिक थे, कुछ सांसारिक नियम थे जो हमने खुद बनाए थे। हमको यही सिखाया गया हमेशा से कि ये करो और ये ना करो, क्योंकि तुम ये करोगे तो तुम अच्छे हो और ये नहीं करोगे तुम अच्छे नहीं हो, और हम उसी की दास्ता करते रहे। पर धन्यवाद करते हैं कि तूने यीशु मसीह के द्वारा हमें उस दास्ता से छुड़वा लिया है, अब हम अनुग्रह में हैं। अब भी हम तेरी आज्ञा को मानते हैं, तेरी आज्ञा जैसी है वो करना चाहते हैं, क्योंकि हम तुझे प्रेम करते हैं एक संतान की तरह, न कि दास की तरह। हम जो भी तेरी आज्ञा का पालन करते हैं, हम उसको पूरे आनंद के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, और वो तेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि तेरी संतान जब तेरा कहा करते हैं वो तेरे चित्त को प्रसन्नता देता है। इसी तरह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हम इस अनुग्रह में बने रहें, वापस उस नियमों में ना जाए, क्योंकि कई बार वो नियम बहुत आसान लगते हैं और अनुग्रह में चलना वो हमें जोखिम भरा लगता है, हमें नहीं पता तो हमें किस तरफ कहाँ लेकर जाएगा, पर फिर भी हम तेरे पर निर्भर करते हैं, तेरा भरोसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।